जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजर ली राइट। सबसे पहले बताइए नया सेटअप कैसा लगा, ये जानना बहुत जरूरी है। हमने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करी, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, हम और ऐसी तरह के सेटअप बनाएंगे। अच्छा, अगर हम नए सेटअप में पाकिस्तान की बात ना करें फिर आप भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार मेजर ये क्या बात कर दी आपने। पाकिस्तान ने एक तरफ धमकी दी अमरीका को, बड़ी सॉलिड धमकी दी है। सुना है कि कई अमेरिकन की जान चली गई, हंस हंस के लोटपोट होकर अपनी कुर्सियों से गिर गए, उनकी जान चली गई। अमेरिका को धमकी मिली है पाकिस्तान से कि तुम अपना चुनाव देखो, तुम अपने ऊपर इन्वेस्टिगेट करो। तुम हमें बोल रहे हो, तुमने द पाकिस्तान को बोला है, यू नो द ओनली वन मुस्लिम एटॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। अच्छा, पाकिस्तानीज ना खुद से बड़ा इंप्रेस रहते हैं दोस्तों, दे हैव दिस हैबिट, दे वेरी इंप्रेस्ड विद देमसेल्व्स एंड नोबडी हैज फाउंड आउट एवर व्हाई इन गॉड्स नेम आर दे इंप्रेस्ड विद देमसेल्व्स। बट हां, इन लोगों ने काफी कुछ बोला है कि यू नो अमेरिका को ये करना चाहिए और अमेरिका को हमारे इलेक्शंस के ऊपर अमेरिका बात ना करे। लेकिन अमेरिका जो है अपने अंदर झांक के देखे, अपने गरेबान में झांक के देखे, फलाना ढिमका ये देखिए पास कर दिया रेजोल्यूशन अपोजिंग द यूएस कॉल फॉर इलेक्शन प्रोब इन द कंट्री। अपनी पार्लियामेंट, इनकी दो टके की दो कौड़ी की पार्लियामेंट जिसको इनका आर्मी चीफ अपने जूते की नोक पर रखता है, उस पार्लियामेंट को, और मैं ऐसा कोई पाकिस्तानी बुरा ना माने, ठीक है, अगर आपकी दिलाजारी हुई है तो यही मेरा इरादा था कि आपकी दिलाजारी हो क्योंकि आप इसी लायक हैं, आपकी पार्लियामेंट को जब चाहे कोई मिलिट्री डिक्टेटर ठुकर मार के आगे निकल जाता है, उस पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करा है, जबरदस्त रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन दोस्तों ये है कि साहब ये गलत चीज है और आप हमारे इलेक्शन को डाउट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का सवाल, इंटेग्रिटी तो है ही नहीं पाकिस्तान में, इंटेग्रिटी तो है ही नहीं, ना इज्जत है, ना वकार है, ना गैरत है, है तो कुछ भी नहीं कर। एनीवे, अच्छा तो इन्होंने पहले आंखें दिखाई, ये टिपिकल पाकिस्तानियों की आदत है। मैं आपको बताता हूं, जैसे ही उन्होंने आंख दिखाई 24 घंटे के अंदर, और ये बात हम करीब एक दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो ये नई खबर नहीं, खबर क्या है, पहले उन्होंने आंख दिखाई अमरीका को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे ना एक भाव ऊपर करके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम तुम्हें मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान है, हम ये। दूसरे हाथ से फट से इन्होंने भीख मांग ली। मसूद खान जो है एम्बेसडर टू द यूएस, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूएस, उसने बोला है कि यार ये जो हम ऑपरेशन अजम इस्तकाम कर रहे हैं, एंटी टेररिज्म अजम इस्तकाम जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, उसके लिए हमें हथियार दे दो यार, हमारे पास तो है नहीं हथियार, हम लड़ेंगे कैसे। अब ये चाहते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका इनको हथियार दे क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको ठोक रहा है। अमेरिका इनको क्यों हथियार दे, क्यों हथियार दे? लेकिन यार मांगने वाले का कोई कंपस थोड़ा ना होता है कि मैं सिर्फ नॉर्थ में मांगूंगा, मैं साउथ में नहीं मांगूंगा, ईस्ट में मांगूंगा, वेस्ट में नहीं मांगूंगा, जो मांगने वाला होता है वो चौतरफा मांगता है। अच्छा, इन्होंने भी या तो इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में पाकिस्तानियों का, सोचिए, या तो इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, या तो इनको यह नहीं पता है कि हमारी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करा है अमेरिका के खिलाफ, या तो ये जो एम्बेसडर है इसका मसूद खान, उसको वो नहीं पता है कि उसी खुद की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करा है अमरीका के खिलाफ, या तो उसने इग्नोर कर दिया, फिर उसने बोला कि यार ये सब तो चलता रहता है, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा अमरीका क्या करेगा, क्या बोलेगा अमरीका, भाई आगे चलो यार छुट्टे नहीं है, यही तो बोलेगा और ज्यादा क्या कर देगा, पीठ थोड़ा ना देगा। तो इन्होंने अमेरिका से मांग लिया, अब देखिए, और मांगा भी इंग्लिश में है दोस्तों, कहीं आप समझे कि ऐसी कटोरा लेके चले गए, नो नॉट एट ऑल। ही आर्ग्यूड दैट द असिस्टेंस इज क्रूशियल फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड अपोजिंग द राइजिंग टाइड ऑफ टेररिज्म दैट आल्सो थ्रेटन्स द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस एंड इट्स एलाइज, तो दे वॉन्ट टू ज्वाइन कॉजेज। टीटीपी ने अमरीका के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करी, टीटीपी ने सिर्फ यह बोला है कि हमें पाकिस्तानियों को ठोकना है, पर इन्होंने बोल दिया कि नहीं अमेरिका को भी खतरा है। अभी क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ये जान बूझ के अमेरिका को लपेट रहे हैं और अमेरिका भी खुद चाहता है कि उसको लपेट लिया जाए। कारण क्या है दोस्तों, ये बात मैं कम से कम एक डेढ़ साल से बोल रहा हूं इसी प्लेटफॉर्म पर और लगातार दर लगातार बोल रहा हूं, मैंने चाणक्य डायलॉग्स में भी कई बार बोला है इससे पहले। बात यह है कि अमरीका देखना पाकिस्तान को हथियार देगा, अब आज नोट कर लो, इसने कल मांगा, मैं आपको बता रहा हूं अमरीका हथियार देगा पाकिस्तान को। उसके दो कारण हैं, अमरीका को पता है कि पाकिस्तान दोगला है, अमरीका को पता है कि इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये कुछ डॉलरों के लिए आप पाकिस्तानियों को कहीं पर नचवा लो, ये नाच लेंगे यार, कुछ चंद डॉलर के लिए, उसको पता है। अब मैं आपको प्रूफ करूंगा,
जो मैंने स्टेटमेंट अभी दिया है ना, मैं आपको प्रूव करूंगा। वरना आप बोलेंगे यार मेजर आप तो ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे थोड़ा ना नाच लेगा कोई। ये नाचते हैं। कैसे नाचते हैं देखिए, मैंने पहले भी बताया था और कई बार बताया था, 450 मिलियन की जो डील हुई है ना F-16 की, स्पेयर पार्ट्स लगा लो, मेंटेनेंस कर लो, उसके ऊपर मिसाइल नहीं लगवा लो, ये कर लो वो कर लो, जो अमेरिका ने दिया है $450 मिलियन का, वो इसीलिए है, इसीलिए है। जब जब अमेरिका इनको पैसे देता है, अरे पोलियो से लड़ने के लिए पैसे, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, फलाने के लिए, ढिमके, ये सारा का सारा पैसा वही है। आपको क्या लगता है अमेरिका को फर्क पड़ता है 2% का कि पाकिस्तान में गर्ल्स का एजुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो, वो पाकिस्तान को पैसे देने के तरीके हैं। अब पाकिस्तान ने हथियार मांग लिए खुले में, अमेरिका हथियार देगा। और क्यों दोगला है? अमेरिका को पता है कि आगे चल के जो अलकायदा हैं या इस्लामिक स्टेट खोरासान चैप्टर वाले अफगानिस्तान में हैं, उनके ऊपर जब अटैक करना होगा तो गोरा थोड़ा ना अपनी जान की बाजी लगाएगा। नो, गोरा नहीं आएगा वहां से। इस बार गोरे ने 20 साल में अपना सबक सीख लिया। उसने बोला कि यार एक बात बताओ, 6-8 लाख की इनकी फौज है, इनको हथियार देने हैं, इनके जर्नलों की कोठियां लंदन में, इनके जर्नलों की कोठियां दुबई में, अमीर तरीन इनके जर्नल, अरबपति, लिटरली अरबपति, राइट? आप इनको पैसा फेंको, तमाशा देखो, है ना? आप पाकिस्तानियों को पैसा फेंको, फिर आप देखो ये जाके अटैक करेंगे हर जगह जाके। तो इनको दे दिए एयरक्राफ्ट, इन्होंने पहले F-16 जिसकी मेंटेनेंस की बात हुई थी, फिर इनको हथियार दे दिया, अभी फिर स्मॉल आर्म्स देंगे। अभी आप देखना और भी बहुत सारी चीजें। हाँ, पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि कोई छुटपुट हरकत करे, भारत के खिलाफ वो हथियार इस्तेमाल करे, वो चलता रहेगा, वो मैटर नहीं रुकेगा बॉस, वो मैटर चलता रहेगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये होने वाला है अफगानिस्तान की सरजमीन पे, ये अटैक करवाएंगे पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी एयरफोर्स से, 100% अटैक करवाएंगे। और दूसरी ओर सबसे बड़ी बात, और ये अगर कोई ईरानी सुन रहा हो और उसको हिंदी समझ में आती हो, पाकिस्तान आपकी भी पीठ पे खंजर उतारेगा, नोट कर लेना। आज की तारीख में ये मेजर गौरव आर्या की भविष्यवाणी है, पाकिस्तान आपको उस वक्त धोखा देगा जब पूरी दुनिया आपको घेर के बैठी होगी, चुपचाप पाकिस्तान आएगा, आपकी पीठ पे खंजर उतारेगा। ये फितरत है पाकिस्तान की, वो करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि अमरीका बोलेगा, अमरीका के पिट्ठू हैं ये, अमरीका डॉलर फेंकेगा, दे देगा $1-2 अरब। क्या करना है अमरीका को? फोन करके IMF को तो बोलना है कि कल इनके मुंह पे मारना, जरा कुछ डॉलर फेंक के मारो इनके मुंह पे। ये जाएंगे, ये ईरान को भी धोखा देंगे, ये तालिबान को धोखा देंगे, ये सबको धोखा देंगे, क्योंकि इनकी फितरत है, ये सालों दर सालों से यही दोस्तों करते हुए आए। ये देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, द रिक्वेस्ट फॉर US स्मॉल आर्म्स असिस्टेंस नीड्स टू बी व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद द US एंड चाइना, इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद द US एंड चाइना। देखिए, ये हथियार इस्तेमाल करेंगे अमेरिका का, इसमें पाकिस्तान का क्या गेम है कि भाई हथियार हम इस्तेमाल करेंगे किसका? अमेरिका का। लेकिन क्या पाकिस्तान अजम इस्तकाम इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों का खून बह रहा है? नो, आप गेम समझिए। पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि जो चाइनीज इंटरेस्ट हैं, चाइनीज फड़का दिया ना यार, बलोच ने, TTP, चाइनीज फड़का दिए, वहां पर दर्जन से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स मर गए। चाइनीज इंजीनियर भाग रहे हैं, कह रहे हैं हम पागल हैं जो पाकिस्तान में काम करेंगे। वो 5 जापानीज के ऊपर सुसाइड अटैक हुआ था, वो तो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में थे, बेचारे बच गए, वरना वो भी थैंक यू हो जाता, उनका गुड नाइट हो जाता। पाकिस्तानी गेम खेल रहा है कि अमरीका को हम इंग्लिश बोलेंगे। अभी गेम कैसे चल रहा है समझ लीजिए, वो अमरीका को बोलेगा इंग्लिश, अमरीका इनको हथियार देगा, अमरीका चाहेगा कि ये लोग अटैक करें अफगानिस्तान और बाद में इराक, ये अमरीका का गेम है। पाकिस्तान का ये गेम है कि अमरीका से लेंगे हथियार और हम अटैक करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तानियों का खून बह रहा है, हम इसलिए अटैक करेंगे आतंकवादियों के ऊपर क्योंकि चाइनीज मर रहे हैं, पाकिस्तानियों की जान की कीमत तो है ही नहीं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तानी लाइफ इन द आईज ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। तो ये क्या करेंगे, चुपचाप इन लोगों ने मारना है और इनको चाइनीज को बचाना है। और उधर अमेरिका सोच रहा है कि हम पाकिस्तानियों का फायदा उठा रहे हैं, और पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि ये अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, ये गेम चल रहा है वहां पर।